अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आपको बता दें कि करनाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के वकील विजय कुमार चोपड़ा, जिनका चैम्बर नंबर 268 है, उन्होंने खुद को गोली मार ली है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो पुष्ट तौर पर सामने आ रही है। जो सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज है जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है क्योंकि लाइसेंसी जो रिवॉल्वर है वो पास में मिला और सुबह 6 बजे घर से सैर के लिए निकले थे और सैर के निकलने के बाद वो अपने चैम्बर में आ जाते हैं 268 नंबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स करनाल में और उसके बाद उनका जो शव है वो लगभग 9:20 पर जानकारी मिलती है कि उनका शव कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उनके चैम्बर के अंदर मौजूद है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं, FSL की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद है और जो शव है उनका अब ले जाया जा रहा है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। एक जाने माने वकील ने खुद को किन परिस्थितियों में गोली मारी, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। फिलहाल FSL की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है और उनके शव को स्ट्रेचर पर रखते हुए तमाम पुलिस कर्मचारी वकील साथी नजर आ रहे हैं कि अपने आप में बड़ी और गंभीर जो मामला है। दूसरों को न्याय दिलवाने का काम करते थे लेकिन किस तरह से, किस परिस्थितियों में जो वकील हैं उन्होंने खुद को गोली मार ली और फिलहाल FSL की और जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। AC अंदर चल रहा है, पिस्तौल उनके पास था, घर से सैर के लिए कहकर निकले थे लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को गोली मार ली, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर छोड़ गए हैं। वो पीछे फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, FSL की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। वकीलों ने आज के लिए वर्क को सस्पेंड कर दिया है, तमाम वकीलों ने आज के लिए वर्क को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि आज कोई भी जो वकील है वो पेश नहीं होगा कोर्ट में। और किस तरह से एक वकील जो कि जाने माने वकील थे, अच्छी प्रैक्टिस उनकी बताई जा रही थी, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था, घर में कोई बातचीत हुई इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही और फिलहाल उन्होंने बताया जा रहा है कि खुद को गोली मार ली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तमाम FSL की टीमें हैं, वकील हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में विजय कुमार चोपड़ा ने खुद को गोली मारी है। और फिलहाल उनके शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है और कनपट्टी पर बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है, कनपट्टी पर खुद को गोली मारी है और सुसाइड कर लिया है। फिलहाल जो तमाम टीमें हैं पुलिस की वो मौके पर पहुंची हुई है, FSL की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, तमाम जो एडवोकेट है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपने आप में बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सबसे पहले आपने IBN 24 पर देखी कि करनाल के एक बड़े वकील, जाने माने वकील विजय कुमार चोपड़ा ने खुद को गोली मार ली है। घर से सैर के लिए कहकर निकले थे लेकिन उनका शव कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उनके चैम्बर के अंदर मिलता है। करनाल की ये बड़ी खबर, सुबह सुबह 9:20 पर जो अपडेट है वो सामने आया है कि किस तरह से एक वकील ने खुद को गोली मार ली है और अब उनके शव को कल्पना चावला स्थित मॉर्चरी हाउस में लेकर जाया जा रहा है। और तमाम आप वकील देख सकते हैं, वकील साथी देख सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, किस तरह से तमाम जो वकील हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपने वकील साथी की मौत पर बेहद दुखी कि किस तरह से एक वकील खुद को गोली मार लेते हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक एडवोकेट जो कि करनाल के जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं, घर से लोअर में ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की शर्ट में घर से निकलते हैं और यहाँ आकर खुद को गोली मार लेते हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने खुद को गोली मार लिया। आप देख सकते हैं कि SHO सिविल लाइन्स है वो मौके पर मौजूद है और जानकारी ली जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को गोली मारी। आप सभी से अपील, FSL की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लाइसेंसी पिस्तौल उनके पास ही यानी कि बरामद हुआ है और किस तरह से अब जो पुलिस है वो टीम, पुलिस टीम यानी कि पूरे मामले की जो जांच है वो करेगी। फिलहाल चैम्बर को आप देख सकते हैं कि तमाम मौके पर मौजूद है और FSL की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। FSL की टीमें फिलहाल मौके पर जांच कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि आखिर जांच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आता है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल ये सीधी और बड़ी खबर आप देख सकते हैं IBN 24 पर, जहाँ पर एक वकील ने खुद को गोली मार ली, तमाम वकील मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो प्रेजिडेंट हैं कमलप्रीत सिंह भाटिया जी, भाटिया जी वर्क सस्पेंड रखा गया है। हाँ, हमने अभी तुरंत मैसेज भेज दिया है, तो अभी मैसेज भी आ जाएगा, आज का दिन वर्क सस्पेंड रखा जाएगा जी। हमारे बड़े काम से वकील थे और बड़ी दुखद सब घटना हमारे सारे वकीलों के लिए, और मेरे लिए तो अभी बिलीव नहीं कर पा रहा कि एकदम ये हुआ कैसे एकदम जी।
मैं तो अभी यही पता कर रहा था इनसे भी यार ये कहते नहीं थोड़ा सा तो ये सुबह उठ के जैसे आए यहाँ पर भाई सैर करते सेक्टर 13 में ही रहते थे और लेकिन मतलब आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट कि बिल्कुल जब भी मिलते थे बड़े हंसमुख चेहरा है और बड़े मतलब और ऐसा भी नहीं कि काम भी है इनके पास भाई काम भी है दो तीन पैनल भी हैं हाँ फाइनेंशियल इशू नहीं है देखो लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि जैसे हमारे को 9:45 में मेरे को फ़ोन आया तो मेरे को भी यही पता लगा कि शायद उनके परिवार वाले उनको ढूंढ भी रहे थे तो इसका मतलब सुबह शहर के लिए जैसे हमको पता लगा देखिए क्योंकि जो हमको सुनी सुनाई बातें हैं जैसे लेकिन हमें इतना सिर्फ पता है कि वो एक बड़ा ही काम सा आदमी था कि इतना डेयरिंग स्टेप जो लिया गया है पता नहीं भगवान उनके मन में क्या चल रहा था जो उनको ये कब से जानते थे मैं तो देखिए मेरे को आज 21 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस को लगभग और मेरे साथ के ही लगभग या मेरे से 3-4 साल पहले हैं बिल्कुल तो मेरा तो उनसे वैसे ही शुरू से उठना बैठना रहा है मतलब चलो हम अच्छा हमारा ये है कि मतलब हेलो हाय रहती है हमेशा और बड़े मतलब मैं कह रहा हूँ जब भी मिलना उन्हें और प्रधान जी क्या हाल चाल है आपके मतलब बड़े अच्छे तरीके से विश करना तो इट इज स्टिल नॉट बिलीवेबल कि इतना डेयरिंग स्टेप उन्होंने ले लिया एकदम। भाटिया जी आप खुद एक वकील हैं ऐसे बहुत सारे मामले आपके पास आते हैं खुदकुशी के क्या परिस्थितियाँ रहती है कि एक आदमी जिसके हाथ में ब्लेड लग जाए सुई लग जाए तो वो कर्रा उठ जाए लेकिन वो सुसाइड कर ले क्या परिस्थितियाँ रहती है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि या तो पारिवारिक स्थिति होती है जो बंदा इतना परिवार से मेंटली हो जाता है या फिर कोई कामकाज की वजह से भी जैसे कामकाज नहीं है कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा हमारे वकीलों को इसका इफेक्ट पड़ा है तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हमको ये बड़ा ख़तरनाक सा दौर चल रहा है इसमें हमको सभी को मैं सभी वकील भाइयों को भी और सभी अपने जितने भी हमारे यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स होते हैं या हमारे मुंशी हैं या हमारे कोई भी हमारे जुड़े हमारे से तक है थोड़ा सा पेशेंस रखें ऐसा डेयरिंग स्टेप से कोई इससे देखिए सारा परिवार एकदम बिखर जाता है। अब हम भी ये नहीं सोच पा रहे कि इस मतलब चोपड़ा जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा हमारे को आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए क्योंकि जितना हम आपस में मिले जुलेंगे हम एक दूसरे की तकलीफों को जान सकेंगे तो मैं यही मानता हूँ कि हमको हमेशा इस चीज़ को आपस में बैठ के ही किसी की कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके उसको आपस में दुख शेयर करना चाहिए। परिवार के साथ कोई बातचीत हुई नहीं मेरी अभी कोई बातचीत नहीं है बाकी जिनकी बातचीत हुई है वो यही बता रहे थे कि वो उनको ढूंढ रहे थे पहले उन्होंने जहाँ पे पार्क करने गए वहाँ भी देखा फिर यहाँ पे चैम्बर पता लगा तो उसी वजह से हमारे को एकदम फोन आया भाई ऐसे करके ये घटना घटी अभी लेके गए हैं जी बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अपनी एफएसएल टीम भी बुलाई थी सारी कार्रवाई हुई है तो हम पुलिस को हर तरह से कोऑपरेट करेंगे जो जो हमारे से रिक्वायरमेंट मांगे हम देंगे बिल्कुल वर्क सस्पेंड रहेगा आज वर्क सस्पेंड रहेगा करनाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज वर्क सस्पेंड रहेगा और काफी ज्यादा अफसोस जाहिर कर रहे थे कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। हंसमुख वकील थे विजय कुमार चोपड़ा मिलना जुलना था लगभग 21 साल से उनको जानते थे जो यहाँ के फिलहाल दूसरी बार प्रधान बने कमलप्रीत सिंह भाटिया और बता रहे हैं कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि विजय कुमार चोपड़ा जैसे जो व्यक्ति हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। फिलहाल उनके शोक में आज के जो वर्क है उसको सस्पेंड रखा गया और कहा जा रहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की जाँच करेगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है क्योंकि उनके पास से लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद हुआ है कनपट्टी पर गोली लगी हुई थी। उनके शव को करनाल के कल्पना चावला स्थित मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और अब जो जांच है वो की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने खुद को गोली मारी। आप देख सकते हैं कि भारी जो भीड़ है वो वकीलों की यहाँ पर मौजूद है पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अब देखा जाएगा कि किन यानी जो जांच है जांच में सामने आएगा कि आखिर क्या कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी जिन परिस्थितियों में विजय कुमार चोपड़ा जी ने खुद को गोली मार ली। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो वाहन है वो मौजूद है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो वकील हैं पुलिस का जो वाहन है वो मौके पर मौजूद है। एसएचओ सिविल लाइंस हैं। एसएचओ साहब क्या कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पर पहुँचे एक शव बरामद हुआ एक वकील का? हमें टेलीफोन पर सूचना मिली थी करीब 9:20 के करीब भाई 268 नंबर चैम्बर में किसी ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुँचे एफएसएल टीम को बुलाया गया है एफएसएल टीम से मुआयना कराया गया है रिवॉल्वर के उसका लाइसेंस रिवॉल्वर है लाइसेंस के बारे में पता गया है उससे दाहिनी साइड में गोली मार गए प्रथम दृष्टि से सुसाइड लगता है जी। तो परिवार के लोग भी बताया जा रहे हैं सुबह से ढूंढ रहे थे सैर के लिए निकले थे घर से डेली सैर के लिए निकलते हैं और वो सुबह 6:30 बजे 6:30 बजे करीब सैर के लिए निकले थे जी। तो अब क्या कुछ कार्रवाई की गई? अब यहाँ से डेड बॉडी को उठा लिया गया है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वैसी कार्रवाई अमल में। रिवॉल्वर भी पास मिला है? रिवॉल्वर भी पास मिला है। तो सर जैसा लोग बता रहे हैं कि गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनाई थी कारण ये भी हो सकता है सुबह सुबह का टाइम था कोई नज़दीक ना हो गोली चलने की गोली काफ़ी नज़दीक से लगी हुई जो अगर नज़दीक से गोली चलाएंगे तो उसकी आवाज़ बहुत कम आती है जी।
अगर दूर से गोली चलाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है जी। धन्यवाद। तो अगर गोली नज़दीक से चलाई जाए तो आवाज़ कम आती है, ये कारण हो सकता है कि किसी को पता नहीं लगा। फिलहाल उनके शव को करनाल के कल्पना चावला स्थित मॉर्चरी हाउस में ले जाया गया। वकीलों ने आज के वर्क को सस्पेंड कर दिया और तमाम जो वकील हैं उनके बीच में एक दुख की शोक की लहर है कि उनके बीच के एक सीनियर एडवोकेट में जो लगभग 20 से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर, उन्होंने अपने ही चैम्बर नंबर 268 के अंदर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दे दिया है कि उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। हालांकि अब जो बाकी जांच है आधिकारिक तौर पर जब की जाएगी, जो FSL की रिपोर्ट आएगी उसमें चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, जो पुलिस जाँच करेगी, परिवार के साथ बातचीत होगी, तब पता लगेगा कि क्या परिवार के अंदर कोई ऐसी बातचीत हुई जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाया या फिर कारण कुछ और रहा होगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं FM 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।